नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनक्रेडिबल टू इंडिया में। दोस्तों अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको शॉकिंग न्यूज देने के लिए आए हैं। शॉकिंग न्यूज क्या है? वो शॉकिंग न्यूज है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ट्विटर अकाउंट और उनकी वेबसाइट जो है वो हैक हो गई थी। देखिए अभी पबजी रिसेंट में बैन हुआ है, तो हमारी जो गवर्नमेंट कर रही है काम ये हमारे हित के लिए कर रही है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं पबजी नहीं बैन होना था, लेकिन हम उनको साफ साफ क्लियर कर दें कि जो जितने भी एप्स बैन किए जा रहे हैं इंडिया में, ये हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा है, हमारी प्राइवेसी को बाहर न जाने के लिए रोकने के लिए किया जा रहा है। इसमें हैरान होने की बात नहीं है। और दोस्तों अगर आप पबजी यूज करते हैं, अगर पबजी का अल्टरनेटिव चाहिए तो हम वो वीडियो आपको इसी चैनल पर बहुत जल्द देने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर भी जाइएगा। तो दोस्तों आइए फाइनली बात करते हैं मोदी जी के अकाउंट हैक के बारे में। मोदी जी का जो अकाउंट है आज मॉर्निंग में थोड़ी देर के लिए हैक हो गया था, और बाद में ट्विटर ने इसको कंफर्म किया। उन्होंने बताया, वी आर एक्टिवली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफ दिस सिचुएशन एट दिस टाइम, वी आर नॉट अवेयर टू एडिशनल अकाउंट बीइंग इंपैक्टेड, अ ट्विटर स्पोकन ओमेन सेड इट द इमिटेड स्टेटमेंट। उन्होंने ये बात मानी है कि वाकई में इनका अकाउंट डिलीट हैक हुआ था। बाद में क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद ही उन्होंने, जब उसने हैक किया उसके बाद उन्होंने कहा कि फंड में हमें कुछ पैसे दो, क्रिप्टो करेंसी के बारे में उन्होंने बताने लगे कि कहा कि उसने तुरंत ट्वीट करके कहने लगा कि आप पीएम फंड में पैसा डोनेट करिए। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर जब पता लगा तो उन्होंने साफ साफ लिखा कि दैट अकाउंट इज हैक। उसके बाद फिर बाद में अब उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है, जैसा भी कुछ होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें पूरा पता है, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।